खबर मथुरा से है, जहां थाना हाईवे इलाके के मंडी चौराहे के पास पिस्टल दिखाकर महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ थाना हाईवे में FIR दर्ज कराई। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य दो लोगों की तलाश में जुट गई। दरअसल महिला अपने घर से किसी कार्य के लिए गोवर्धन चौराहे की तरफ जा रही थी। अचानक रास्ते में MDS कंप्यूटर सेंटर से तीन युवक आए और युवती को पिस्टल दिखाकर अंदर ले गए और उसके साथ मारपीट करते हुए मोबाइल भी छीन लिया। महिला ने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उसके जेठ ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, देव प्रकाश ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दी। वहीं आसपास के लोगों ने युवती को बचाया और सूचना मिलते ही घटना स्थल पर मंडी चौकी प्रभारी ललित कसाना और पुलिस बल पहुंच गया। पारिवारिक मर्डर पर मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन पिछली 18 तारीख को जो निकल के गई है उस दिन मेरे साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया इन लोगों ने कि मैं किसी काम से गोवर्धन चौराहे की साइड में जा रही थी, अपना कोई पर्सनल काम था, तभी वहाँ से देवप्रकाश निकल करके आया। उसने रिवॉल्वर दिखा करके मुझे वहाँ अंदर ले गया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बात करेंगे शांति से जो भी होगा, लेकिन वहाँ ये सब लोग उसी प्लानिंग से बैठे हुए थे। जाते ही सबसे पहले मेरा फ़ोन और पर्स वगैरह इन लोगों ने छीन लिया था ताकि मैं किसी को ना बुला सकूँ, और मैं अकेली ही थी उस टाइम पर। तभी इन लोगों ने काफ़ी मेरे ऊपर दबाव बनाया कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, मथुरा छोड़ के चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे दो बच्चे भी हैं, एक बेटा है एक बेटी है, जिनके हक के लिए मैं बात कर रही थी कि इनकी जो कुछ भी है, इनका खर्चा, इनका स्कूल का जो भी जिम्मेदारी उठाएं, लेकिन सब ने साफ मना करने के बावजूद भी काफ़ी मुझे धमकाया और मुझे निकलने की धमकी भी दी, अदरवाइज हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये भी इन लोगों ने बोला था। सर मैं तो शौक में था, मेरे पास में फ़ोन आया बेटी का कि मैं मतलब ये नरौली थाने से बोल रही हूँ, मेरे ऊपर गोली चला दी है, और मैं फिर तुरंत ही मतलब एक शौक से निकला और नरौली थाने गया तो वहाँ देखा कि बेटी बदहवास में पड़ी हुई थी और कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तब मुझे मालूम पड़ा कि सुरेश ने इस पर गोली चलवाई है, जो कि वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति है, देव प्रकाश, जो कि उस पार का रहने वाला है, उसने गोली चलाई है और रिवॉल्वर सहित और खाली खोखा भी कारतूस का मिला है, और इसमें से महेश और भगवान सिंह इनका भी नाम बताया है कि ये सब वहीं पर थे और ये दोनों ही फरार हैं, और देव प्रकाश और सुरेश को गिरफ्तार किया जा चुका है, आगे की कार्रवाई और होनी चाहिए। थाना हाईवे पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने युवती के पति सुरेश को भी पकड़ लिया है। महेश और भगवान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।